जिन्होंने धर्म तीर्थ पर एक धर्म तीर्थ के जो मूल नायक भगवान है, भगवान शांतिनाथ जी, इनकी मूर्ति भी उन्होंने प्रदान की है। साथ ही आपकी ओर से रोज धर्म तीर्थ पर जो शांति धारा हो रही है, विगत 4 वर्षों से रोज वो शांति धारा आपके परिवार की ओर से हो रही है, ऐसे परम भक्त आचार्य श्री के श्रीमान धर्मानुरागी सुबोध जी जैन, उनकी धर्मपत्नी सौ सरोज जी जैन, साथ ही सौ सविता जी, श्रीमान हंसराज जी जैन, उनके बेटे सौ रीना, श्रीमान नीरज जी जैन, सौ प्रिया, श्रीमान अभिषेक जी जैन, विनीत, विपुल, विधि, साक्षी, अंशिका जैन परिवार दिल्ली से यहाँ पर है। हम चलते हैं दीप प्रज्वलन के लिए दिल्ली सुबोध जी जैन। एक मिनट भैया, नितिन भैया। हाँ पारस जी, एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा, आप जब तक कुछ और सूचना दीजिए, मैं एक मिनट में वापस आ रहा हूँ। जी जी जी, यह दीप प्रज्वलन यहाँ पर संपन्न होगा, इसके पश्चात मैं आप सबको बता देता हूँ, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो कि चंदन षष्ठी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, और इस चंदन षष्ठी के विशेष दिन में कल एक विशेष कार्यक्रम धर्म तीर्थ पर मनाया जाएगा। इस विशेष कार्यक्रम में कल वहां पर संपूर्ण अभिषेक एवं विधान संपन्न होगा। उस चंदन षष्ठी के व्रत में जो भी धर्मानुलागी जिन्होंने भी यह व्रत रखा है, वो साक्षात अपने घर पर यह संपूर्ण विधान संपन्न करा सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप यह महत्वपूर्ण विधान अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, जिसके लिए धर्म तीर्थ पर भी यह जो विधान होने वाला है, उसके लिए जो सौधर्म इंद्र बनने वाला है, सौधर्म इंद्र बनने के लिए जो भी महानुभाव की अपनी भावना बनती है, वह अपनी स्वीकृति प्रदान करे। वह उसकी राशि सिर्फ 21,000 रुपए है, जिसमें संपूर्ण अभिषेक एवं विधान संपन्न कराने का सौभाग्य उन परिवार को मिलेगा जो सौधर्म इंद्र बनेंगे, और उसके साथ वहां पर पंचामृत अभिषेक होगा, उसके पश्चात शांति धारा होगी और यह संपूर्ण विधान संपन्न होगा। हम जब तक के सुबोध जी वहां पर सुबोध जी, आप दीप प्रज्वलन शुरू करिए। बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन, साक्षात श्रीमान सुबोध जी, सौ सरोज जी एवं संपूर्ण परिवार के साथ में वहां पर संपन्न हुआ। और इस दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं आपको बता रहा था कि कल का जो चंदन षष्ठी का व्रत है, चंदन षष्ठी है, उसमें जो भी धर्मानुरागी अपने ओर से पूजा अभिषेक कराना चाहता है, वो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। और साथ ही इसके साथ में एक बैनर भी आपको भेजा है, जिसमें कुछ नाम मात्र राशि है। जिन किसी महानुभाव को अभिषेक कराने का है, उसकी राशि सिर्फ 1100 रुपए रहेगी, हर एक कलेश की, और शांति धारा की भी 1100 रुपया, और आहार दान का 2100 रुपया, वो अपनी स्वीकृति यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं।
मेरे पास इतनी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हाँ हाँ गुरुदेव, इस प्रवचन शुक्ला के धर्मानुरागी, मैं आपको बता रहा था कि चंदन षष्ठी का जो महान जो व्रत है, उस व्रत में जो अभिषेक एवं पूजा संपन्न होने वाली है, उसके लिए जो भी महानुभाव अपनी स्वीकृति देना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। हमारे पास में कुछ एक स्वीकृति आई है, जो अभिषेक के पश्चात हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के आज के इस प्रवचन श्रृंखला के 5वीं पुष्प के लिए हम आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं और आचार्य श्री को निवेदन करते हैं कि हे आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस धर्म सभा को आप संबोधित करें और तीर्थंकर कैसे बने, इस राह पर कैसे चले, इस अमृतमय वाणी से हम सबको आप उद्बोधित करें। आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो सर्वसाहूणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा। जय बोलो श्री अनंतान सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। प्रश्नादि विराम सिद्ध भगवान की जय। महापर्व की जय। धर्म स्त्री महाप्रभ आज सुलकरण महापर्व का तीर्थंकर कैसे बने इस प्रवचन माला का आज 5वां पुष्प है और आज का हमारा विषय है जोश में संभालो होश। आपकी भाषा में कह रहा हूं जोश में संभालो होश और आज की भावना का नाम है संवेग। संवेग भावना का अर्थ होता है कि अपने वेग पर कंट्रोल करो। वेग मतलब चलना, गमन करना, बहना, इसका नाम वेग। और वेग यदि सम रूप में हो, यदि जाने वाली गाड़ी, एरोप्लेन, ट्रेन, बस, कार, जो कुछ भी जा रही है वो जाने वाली यदि सम वेग में जाती है तो अपने गंतव्य को पहुंच जाती है। और जब संवेग छूट जाता है और आवेग आता है, उद्वेग आता है, वही दुर्घटना होती है। नदी सम रूप में बह रही है तो जहां जाती है उस देश को हरा हरा चश्मामल कर देती है, और वही नदी यदि अपने संवेग को छोड़ करके उद्वेग को प्राप्त कर लेती है, नदी में आवेग आ जाता है, नदी में पूर आ जाता है, तो महातबाही बाढ़ आ जाती है। बहने वाली हवा जब संतुलित रूप में बहती है तो हवा हमको सुकून प्रदान करती है, शीतलता देती, ठंडक देती है, और वही हवा जब आंधी बनकर आती है, तूफान बनकर आती है, तो महातबाही मचाती है। इसलिए प्रकृति भी संतुलित रहे, प्रकृति में संवेग रहे तो वह सुंदर दिखती है। और इंसान भी, मनुष्य प्राणी मात्र भी जब तक संवेग में जीता है, अर्थात होश भी होना चाहिए और जोश भी होना चाहिए। यदि आप जोश जोश में बेहोश हो जाते हैं, होश खो देते हैं, वहीं पर दुर्घटना घट जाती है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवान जो बनने वाले जीव हैं वो निरंतर संवेग भावना का चिंतन करते हैं, वो अपने वेग पर कंट्रोल रखते हैं। संवेग अर्थात मुझे अपने जीवन की सच्चाई का बोध होना चाहिए, यथार्थ का ज्ञान होना संवेग है। विश्वास हमारा विश्वास पर अंधविश्वास न हो। कौन मेरा है, कौन पराया है,
मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, इसका चिंतन करना। हूँ आइए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कौन मेरे साथ जाने वाला है, इसका विवेक होना, इसका नाम ही संवेक। संसार शरीर भोगों की यथार्थता का ज्ञान, इसका नाम संवेक है। हम घर में रहते हैं, घर में रहते हुए कर्तव्य करें, पर कर्तव्य करते हुए भी जान कर चले कि जब तक ये मेरा शरीर है और जब तक मेरा संबंध कर्म का योग है, तब तक ये सारे मेरे साथी हैं, और जिस दिन संबंध टूट जाएगा सब चला जाएगा। आज आप देख लीजिए कोरोना महामारी के अंतर्गत जिनके साथ में आपने 7 जन्मों तक रहने की कसमें खाई थी, जो आपके साथ के सुख दुख के साथी थे, और वही जब कोरोना के काल से ग्रसित हो गए तो आप उनकी सेवा भी नहीं कर पाए। आप पानी देने में भी सोचते थे, पहले घर में हालात ये थे कि हम सोचते थे कि हमारी बहनें क्यों नहीं आई, हमारे भाई क्यों नहीं, संबंधी क्यों नहीं आए, आए तो आने पर उनका वेलकम करते, स्वागत करते थे। और आज यदि कोई आना चाहे अचानक आ जाए तो सबके चेहरे तन जाते, लगता है कि जैसे कोई एटम बम आ गया, पता नहीं कोरोना ग्रस्त हो। आप नहीं, हम भी उससे अछूते नहीं हैं। आज हमको भी धर्म तीर्थ पर बैठे हुए हैं और धर्म तीर्थ विकास समिति उसके सदस्य हैं, उन अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री को ऊपर से ऑर्डर आता है, सरकारी आदेश आते हैं कि तीर्थ क्षेत्र आपका नहीं खुलेगा, किसी को ना आने देवे, वरना आपके पूरे इसको सील कर दिया जाए। तो ये कोरोना महामारी ने इंसान इंसान को दूर कर दिया। हमारी जिंदगी कितनी है, पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, चंद श्वासों से गतिमान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, चंद श्वासों से गतिमान है आदमी, बाल यौवन पर बुढ़ापा तो बीच के विश्राम है, बाल यौवन पर बुढ़ापा तो बीच के विश्राम है, अंत में काल का मेहमान है आदमी, अंत में काल का मेहमान है आदमी। ये मुझे जानना चाहिए कि मैं इस संसार में स्टेबल होकर नहीं रहने वाला। आप जो प्रवचन सुन रहे हैं जैनम चैनल के माध्यम से, यहां पर भी बार बार आपका जो नेटवर्क है अनस्टेबल हो जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता, एकदम से आवाज कड़कड़ाने लगती है। ऐसे ही संसार में आया कोई प्राणी कोई भी स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। चंद सांसों का हमारा जीवन है, जब चंद सांस हमारे पास में है तो हम क्यों नहीं अपने आप को संतुलित रखें। जब भी हम कुछ काम करते हैं, देखिए आप कितनी संतुलित भावनाएं, पहले दर्शन विशुद्धि आई कि अपनी श्रद्धा को दृढ़ करूं, सम्यक दर्शन आपका विशुद्ध होना चाहिए, उसके बाद में विनय संपन्नता आ गई कि आप विनयवान बनिए, जब विनय हो गई तो शीत तो अच्छे से पालन कीजिए, और उनको रिफाइन करने के लिए अभिष्ट ज्ञान को भाग आ गई कि आप अपने निरंतर ज्ञान के साथ जिए, और जब ज्ञान हो जाता है, निरंतर जीव ज्ञान में जीता है, तभी वह संवेग में आता है। संवेग, आवेग, उद्वेग, ये तीन चीजें हैं। जहां आवेग होता है वहां आवेश होता है, जहां उद्वेग होता है वहां उन्माद होता है, और जहां संवेग होता है वहां जीवन में शांति सुकून आनंद होता है। संवेग में जीने वाला व्यक्ति गलती नहीं करेगा, और आवेग में जीने वाले से ही गलती होती है। इसलिए अपने घर के संबंध निभाना हो, व्यापार करना हो, जीवन में जीना हो, संवेग के साथ जी। आप देखते हैं कि व्यापार में जब भी सीजन आता है तो सीजन के बाद में ऑफ सीजन भी आता, स्लैक भी आता है। समुद्र में जब ज्वार आता है तो घाटा भी आता है, परंतु जो समुद्र का सागर का पानी, तालाब का पानी एकदम स्टेबल रहता है, वो शांत पानी में ही अपना चेहरा देखता है, और वही हमारे कल्याणकारी। तो आज की संवेग भावना आपसे कह रही है, मैंने आज का टाइटल दिया है कि जोश में संभालो होश, और दूसरा मेरा टाइटल है क्यों होते हैं महारोग,
कारण और निवारण, इस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। क्यों होते हैं लोग, इनका संबंध है पूरे वाक्य का जोश में समाज घोष। एक नगर में उज्जैन शहर था और उज्जैन शहर में एक ईश्वरचंद नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंदना था और ईश्वरचंद को बहुत भक्ति करने का बहुत शौक था। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाना, खूब भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, भक्ति करना, अच्छा है, बुराई नहीं, पर उसमें आवेग नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूं हमारे समाज में कई श्रावक लोग, जब बहुत सारी भीड़ होती है तो भीड़ में ऐसा आवेग आता है कि सबसे पहले मैं ही अभिषेक करूंगा, पूरा मैं ही अभिषेक करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये आपका आवेग है। यदि आप अकेले पूरा अभिषेक स्वयं करना चाहते हैं और दूसरे लोग बहुत सारे खड़े हुए हैं अभिषेक करना चाहते हैं और आप उन्हें अभिषेक नहीं देते हैं, तो आपको महान अंतराय कर्म का पाप का बंध होता है। ध्यान रखना, आप स्वयं थोड़ा सा अभिषेक करें और अभिषेक करने के पश्चात जितने लोग खड़े हैं, यदि आप हरेक को मौका देते हैं करने के लिए, तो जितने लोग आपके बाद में अभिषेक करते जाते हैं, यदि आप उनको मौका दे रहे हैं, तो आपको भी एक षटमांश पुण्य की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखें, इसको हम जान करके चले। हमारे जीवन में संवेग कैसे है इसको समझिए। आहार दान देने हम जाते हैं तो हम चौके में कोई तैयारी करना नहीं चाहते, कोई तैयारी नहीं। अपने घर पर चौका लगाने की हमारी मानसिकता नहीं है, घर पर चौका नहीं लगाना है, चौके में जाकर कोई तैयारी नहीं करना है। चौके में आपका न दल लगा है, न मन लगा है, न धन लगा, कुछ नहीं लगाया। उसके बाद भी सबसे आगे फ्रंट खड़े होकर के जोर से शुद्धि बोल करके पाप प्रक्षर भी आप ही करना चाहते हैं, अष्टद्रव से पूजन भी आप ही करना चाहते हैं और आहार भी पूरा आप ही देना चाहते हैं, आपकी अज्ञानता है। इससे आप अधिकारण कर रहे हैं, आप इससे अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले जिसने सुबह से लेकर शाम तक समय दिया है, तन मन धन लगाया है, ऐसे श्रावक को सबसे पहले जिसने चौका लगाया है उसको पूजन करने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको आहार देने का पहले राइट होता है। यदि वो कहे, जिसका चौका वो कहे, आइए भाई साहब आप भी दीजिए, तब जाकर आप जावे तो अच्छा है। आप किस चौके में जाते हैं, दूसरे का चौका लगा हुआ है, तो बिना पूछे आप चौके में अंदर ना जाओ। यदि आप बिना पूछे चौके में जाते हैं, जिससे आपको चोरी का पाप लगता है, चौके वाले ने बुलाए नहीं, बिना बोले आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे श्रावक हो, चाहे कोई भी व्रती हो, पूछ कर ही कि भाई साहब हम चौके में आ जाए, तो वो आपसे कहे तो आप दीजिए, वरना आप शोधन कर खड़े रहिए, शोधन करते रहिए, दिलवाते रहिए, दिलवाने में पुण्य लगता है। कुल मिलाकर के धार्मिक कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, हमेशा आपको जोश के साथ में होश भी रखना चाहिए। बड़े हम शांत बैठे होते हैं और कभी यदि लाइव चल रहा है और कैमरा हमारे पास में सामने घूम जाए तो हम बावले हो जाए, पागलपन हमको चढ़ जाता है। नहीं, स्टेबल रहो, उसमें हमारा पागलपन दिखता है। ईश्वर चंद्र, उसको भी आहार देने का बहुत शौक था, भक्ति करने का बहुत शौक था, जोश था, पर एक बार वो होश खो बैठा। हुआ ये कि नगर में एक मुनिराज है जिनका नाम था अति मुक्तक मुनिराज थे और वे मुनि मासोपवासी थे, अर्थात एक महीने उपवास करके फिर आहार को उठते थे। ऐसे हमारे साधु रहे हुए हैं, कोई साधु चतुर्मास में एक उपवास एक आहार कर लेते हैं, धन्य है वे साधु, कोई दो उपवास एक आहार करते हैं, कोई तीन उपवास एक आहार करते हैं, कोई चार उपवास एक आहार करते हैं, कोई पांच उपवास एक आहार करते हैं, कोई अठाई के आठ उपवास करते हैं, कोई दस लक्षण के दस करते हैं, कोई सोलह करण के सोलह उपवास करते हैं। आज भी हमारी संस्कृति इस तरह के साधु हैं जो 40-40 दिन, 50-50 दिन, 60-60 दिन के उपवास कर लेते हैं। महान भवों, हमारे चरित्र चक्रवर्ती
आचार्य श्री समित सागर जी, आचार्य शांत सागर जी, आचार्य शांत सागर गुरुदेव भी बहुत उपवास करते थे। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव बहुत उपवास करते थे। आचार्य श्री विमल सागर जी, वाचन रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी, उनके रसों का त्याग था और बहुत उपवास करते थे। तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमत सागर जी, जो आचार्य महावीर कीर्ति विमल सागर जी के शिष्य हैं, वो तपस्वी सम्राट कहलाते थे और महान तपस्वी थे। चतुर्मास का पहले महीने में उनका एक उपवास एक आहार चलता था। चतुर्मास के दूसरे महीने में दो उपवास एक आहार चलता था। चतुर्मास के तीसरे महीने में तीन उपवास एक आहार करते थे। और यदि चतुर्मास साढ़े चार महीने का हो गया तो अगले महीने में चार उपवास एक आहार करके जीवन चलाते थे। और उसमें भी अष्टांगिका के आठ दिन, दस लक्षण के दस दिन, सोलह कारण के सोलह दिन भी उनके उपवास चलते थे। और जब आहार करते थे, मैंने 90C में देखा था, मात्र बहन केले की रोटी, काजू कड़ी, राजगिरा, गन्ने का रस और छाछ इतना ही लेते थे। और जब मैंने उन्हें 2002 में देखा, तब वह मात्र राजगिरा, गन्ने का रस और छाछ ले रहे थे। और 2007 में जब वह औरंगाबाद में आए, तो उनके लिए छाछ और पानी उनका चल रहा था। धन्य है ऐसे साधक। तपस्वी सम्राट आचार्य सत्य सागर जी, महान तपस्वी, तो ऐसे साधु आज भी हुए हैं हमारे आचार्य श्री कुशागरानंद जी, वो भी अच्छे उपवास करते हैं। आचार्य प्रसन्न सागर जी अभी बने हैं, नव दीक्षित प्रसन्न सागर जी हैं, वो भी अच्छे उपवास साधना करते हैं। आचार्य निश्चय सागर जी बहुत अच्छे उपवास करते हैं और ये उपवास हमें आत्मा के पास ले जाते हैं। हमारे भगवान बाहुबली भगवान ने एक वर्ष का वर्ष तप किया था, अर्थात एक वर्ष तक वो अनाहार रहे। संस्कृति में भगवान बाहुबली ऐसे महापुरुष जिनने दीक्षा ली, मुनि बने, पर मुनि बनकर कभी उन्होंने आहार ही नहीं किया, एक साथ में कठोर तप करके केवल ज्ञान। ऐसे ही उन्हीं के बड़े भाई भरत चक्रवर्ती ऐसे परम वैरागी थे कि उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर उन्हें भी आहार नहीं किया, अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेते उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। भाई पारस से आपकी आवाज बीच में आ रही है, सभी ध्यान सुने। तो अति मुक्त राज मासों को आसी थे, एक महीने उपवास करके आहार कूटते थे। और वे नगर में आए, नगर में आए तो पूरे उज्जैन नगर में घर घर में चौके लगे, सब जगह चौके लगे थे। ईश्वर चंद्र रोज भक्ति करने वाला, दर्शन करने वाला, पूजन करने वाला, वो भी अपने घर के बाहर प्रदान करने खड़ा था। और उसने मुनिराज का प्रदान कर लिया। अति मुक्तक मुनि पड़क करके गए, वो अंदर लेके आ गया, उच्चासन दे दिया, पाद प्रक्षाल कर लिया, पूजन कर लिया, लेकिन थाली नहीं आई। तो अंदर गया, अपनी पत्नी चंदना को बुला के, कोई थाली क्यों नहीं लाती है, चल चौके में आहार दे, थाली दे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं कैसे मुनिराज के सामने जाऊं, मैं तो ऋतुमती हूं, मैं अशुद्ध हूं, मेरे अशौच चल रहा है, मेरी अशुद्धि है, मैं मुनिराज के सामने भी नहीं जा सकती हूँ, आहार तो दे ही नहीं सकती हूँ। लेकिन ईश्वरचंद्र का चुप रहे, कुछ मत बोल, किसी को पता नहीं है, इतने बड़े महान साधु हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, मासों को आसी हैं, मेरे यहाँ पड़ गए हैं, मैं कैसे उनको जाने दे सकता हूँ, चुपचाप चल। और उसने अपनी पत्नी को फोर्स करके, जो पत्नी अशुद्ध थी, उस अशुद्ध पत्नी से ही थाली मंगा करके उसने मन वचन काय शुद्धि कहा, और शुद्धि बोल करके उसने स्वयं मुनिराज को आहार दिया और अपनी पत्नी से भी आहार दिलवाया। किसी को पता नहीं चला, वो जान रहा था कि मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन ध्यान रख, मैंने कल भी कहा था आपसे कि हम समझते हैं कि मैं पाप कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपका कर्म आपको वही आपको देख रहा है। ये सारे संसार में कारमान वर्गणाएं ठस भरी हुई है, आप जब भी कोई गलती करते हैं वहीं पर तुरंत कर्मों का बंद हो जाता है। मुनिराज आहार करके चले गए, मुनिराज ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुनियों को ये कहा गया है कि वे जब आहार को जाते हैं तो
तो आहार को जाते से मुनिराज कोई भी अवधि ज्ञान न लगावे। यदि मुनिराज अवधि ज्ञान लगा लेवे तो वे आहार कर ही नहीं सकते, क्योंकि शावक से दोष होता ही जाता है। मान भव वह मुनिराज चले गए लेकिन कर्म ने नहीं छोड़ा। 3 दिन बाद ही ईश्वर चंद और चंदना दोनों सेठ और सेठानी के शरीर में अचानक शरीर गलने लग गया, दुर्गंध आने लग गई और उनके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। कोढ़ कुष्ठ रोग, स्किन डिजीज, ये होने हो गए। क्यों होते हैं महारोग? उसके पीछे यही कारण कि जब हम भगवान की भक्ति में जिन मंदिर में जाकर के यदि कोई सौंफ चबाते हुए, तमाम खाते हुए अथवा कुछ भी खाते हुए मंदिर में जाता है तो मंदिर में खाते हुए जाने पर उसके मुख में मुख रोग हो सकता है, टीथ कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, लिप कैंसर हो सकता है और अनेक अनेक उदाहरण हमारे यहाँ पड़े हुए शास्त्र में लिखे हुए हैं। यदि आप भगवान का विधान करते हुए वहीं पर बैठे बैठे आप लोग यदि वहां पर खाना खाते हो, वहीं बैठे बैठे भोजन आप कर रहे हो विधान करते हुए, अब ये टीवी पर देखना ये अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ऑफिस को जाने वाले रहते हैं, जाना होता है, जरूरी काम है, जिस समय की बात नहीं, लेकिन जब साक्षात तीर्थंकर भगवान की मूर्ति वहां विराजमान है या जीवंत गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं, वहां विधान चल रहा है, मांडला बना हुआ है, 10 दिक्पाल का आह्वान किया है, 10 दिन का आपने संकल्प किया है, तो जब तक विधान पूरा न हो जाए तब तक वहां पर खाना पीना नहीं करना चाहिए। आपकी शुद्धि पूरी होना चाहिए, मन वचन काय की शुद्धि आपकी होना चाहिए। मैं स्पष्ट आप कह रहा हूँ, साधु हूं मैं, एकदम खुला मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेष्टाभक हो चेष्टाधिक, जब भी आप लघु शंका जाते हैं, आप शोच जाते हैं, तो जाने के पश्चात मुल्तानी मिट्टी आदि मृदु पदार्थ से आपको अपने मल द्वार की, मूत्र द्वार की भी शुद्धि करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं और सिर्फ आप स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने मात्र से आपकी शुद्धि नहीं होती। यहां तक कि यदि आपने उपवास किया है तो उपवास के दिन भी आपको भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करना है, आहार दान देना है, तो मुख शुद्धि करके ही, मतलब वेस्ट करना मंजन करना नहीं, सिर्फ शुद्ध पानी लेकर के, छना गर्म पानी लेकर के आपको कुल्ला करना चाहिए, वो पानी कंठ से नीचे नहीं उतरना चाहिए, कुल्ला करके मुख शुद्धि करके ही भगवान का अभिषेक पूजन आहार दान करना चाहिए। यदि आप कुल्ला नहीं करते हैं, जो भी श्रावक है, कुल्ला करने से आपका व्रत भंग नहीं होता, ध्यान रखना, कुल्ला करने से व्रत भंग नहीं होता है। जो श्रावक है, गृहस्थ है, छुलक छुली का नहीं, मुनियारी का नहीं, लेकिन जो गृहस्थी में रहने वाला छुलक, जो सामान्य श्रावक है, उसको मुख शुद्धि करना परम आवश्यक है। क्यों? कुल्ला करने से व्रत भंग नहीं होता है। आप देखिए जितने भी आचार्य हैं वे सभी खड़े होकर आहार लेते हैं, बैठ के आहार लेते हैं। आपने देखा है कि हर एक साधु खड़े होकर ही आहार लेते हैं, लेकिन कुल्ला कब करते हैं? नीचे बैठकर करते हैं, और जब कुल्ला करते हैं पानी भी लेते हैं और कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से मुख शुद्धि करके ही आपको भजन पूजन करना चाहिए। ईश्वर चंद ने जो 3 दिन की अशुद्धि थी उस अशुद्धि में ही अपनी पत्नी से आहार दिलवा दिया। आप कचनेर क्षेत्र को जानते हैं, चिंतन बाबा की मूर्ति आपको जानते हैं, पर प्रसिद्ध है ऐसे भगवान भी जो खंडित हुए। जो अशुद्ध महिला थी, उस अशुद्ध महिला ने अशुद्ध दृष्टि से 3 लोकनाथ चंद्र बाबा को देख लिया। इसलिए माताओं, जब भी तुम्हारे नगर से मुनि आ रहे हैं जा रहे हैं, या कोई विधान हो रहा है, या कोई फंक्शन हो रहा है, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, भगवान की रथ यात्रा निकल रही है, बड़े बड़े झांकियां निकल रही है, यदि आप अशुद्ध हैं तो अशुद्ध अवस्था में कोई भी स्त्री या लड़की को रथ यात्रा, भगवान का रथ या गुरु का दर्शन अशुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। अशुद्ध स्त्री की दृष्टि बहुत ही खतरनाक होती है। यदि अशुद्ध स्त्री को, अशुद्ध स्त्री अशुद्ध अवस्था में सांप को देख लेवे तो सांप अंधा हो जाता है। ये साइंस है, विज्ञान है, इसे हमें समझना चाहिए। अशुद्ध अवस्था का पानी
यदि पेड़ पर डाल दिया जाए तो पेड़ जल जाता है, यदि अशुद्ध अवस्था में स्त्री छूले हुए पापड़ को, पापड़ लाल हो जाते हैं, अचार खराब हो जाता है, यह आप सब जानते हैं। ईश्वर चंद्र के समय हमारा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देने के लिए चल रहा हूँ। 9:30 अभी हुआ है, टाइम हो रहा है, लेकिन अपन बात को पूरा करेंगे। तो ईश्वर चंद्र ने अशुद्ध अवस्था में आहार दिया, इसलिए वो हुआ। यदि आप तमाऊ खाते हुए गुरु के पास में आते हैं तो आपको अवश्य माउथ और टीथ कैंसर हो सकता है। अशुद्ध अवस्था में यदि आप मंदिर में आते हैं तो आपको इससे स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, चर्म कैंसर हो सकता है, सफेद दाग हो सकते हैं, गुड़ हो सकता है, खाज बिल्ली हो सकती है, इसी प्रकार के अनेक महारोग हो सकते हैं। अशुद्धि में आपने आहार दान दे दिया, आहार करते करते आपने वहीं पर खा लिया, कई माताएं चख लेती है, या महाराज आहार कर रहे हैं बाहर प्रसाद मिला उनके सामने, आपने प्रसाद यदि खा लिया तो प्रसाद खाने से भी आपको उसमें पाप का बंध होगा। कभी गुरु के सामने प्रसाद नहीं खाना, गुरु के सामने मुंह छुटा करके नहीं आना, इसका ध्यान। ये जो हार्ट रोग है, शुगर है, बीपी है, कैंसर है, कोरोना है, जितनी महाव्याधियां हैं, इन सब व्याधि का मूल कारण हमारे द्वारा धार्मिक कार्य में अशुद्धि। ईश्वर चंद्र के कोढ़ हुआ, चंद्रा के कोढ़ हुआ, दोनों कोढ़ से गल रहे थे, कोई सामने आने को तैयार नहीं, एक दुर्गंध आती थी। कुछ समय पश्चात अनेक समय तक दुख सहन करते करते जब परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, तब एक दिन उसको जैन शहर में श्रीभद्र आचार्य का संग आया। श्रीभद्र मुनिराज वहां पर आए, उनका संग आया, अनेक लोग गए, सबने दर्शन किया, सबके जाने के पश्चात चुपचाप जब सब चले गए तब वह ईश्वर चंद्र अपनी पत्नी चंद्रा को लेकर के दोनों कोड़ी मुनिराज के पास में गए, मुनिराज के दर्शन किए और पूछा, है भगवान, हम तो इतना भगवान का अभिषेक करते थे, इतना पूजन करते थे, इतना आहार दान देते थे, धार्मिक कार्य करने के बाद भी हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिससे हमारे शरीर में कोढ़ हो रहा है। मुनिराज ने कहा, हे ईश्वर, तुम्हारे अंदर जिन भक्ति का जोश था और जोश में तुमने होश को नहीं संभाला, इसलिए मैंने आज कहा है जोश में संभालो होश। तुमने जोश जोश में, भक्ति के जोश में, जो मुनिराज तुम्हारे यहाँ महातपस्वी आए थे, मासुकवासी थे, ऐसे महातपस्वी मुनिराज को भी तुमने, तुम्हारी स्त्री अशुद्ध थी और अशुद्ध अवस्था में तुमने मन वचन काय शुद्ध कहकर के तुमने आहार दिया, तुमने झूठ बोल करके चरित्र का अपमान किया, जो पवित्र चरित्र था, रत्नत्रय था, उसका तुमने तिरस्कार किया है, इस कारण से अशुद्ध अवस्था में आहार देने से तुम्हारा सारा शरीर अशुद्ध हो गया है, कोढ़ से गल रहा है। बहुत दुखी हुए ईश्वर चंद्र और चंदना कि हाँ, ये हमसे गलती हुई है, हमने सोचा कि आहार देने से पुण्य ही होता है, हमने ये नहीं सोचा कि अशुद्धि करने से पाप भी होता है, गलती करने पर दंड भी मिलता है, हम इसका प्रायश्चित क्या है। तब मुनिराज ने कहा, इसका प्रायश्चित करना है तो तुम सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करो। दोनों पति पत्नी ने गलती को स्वीकार किया। माताओं, आपके द्वारा भी यदि आप मंदिर में दर्शन करने गई हैं, पूजन करने, विधान करने गई हैं और वहां पर यदि आप पूजन करते करते अशुद्ध हो गई है, अथवा आहार देने में आप अशुद्ध हो गई हैं, या अशुद्ध अवस्था में आपने तीर्थ यात्रा कर ली है, तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए। जो पुरुष वर्ग शुद्ध कपड़े पहनने के पश्चात आपने अशुद्ध व्यक्ति को छू लिया हो, अशुद्ध टंकी का पानी आपने उपयोग में ले लिया हो, या अशुद्ध कपड़ों में, शुद्ध कपड़ों को खा पी करके अशुद्ध कर दिया हो, उन्हें पूजन पाठ कर लिया हो, तो आप भी अवश्य में चंदन षष्ठी व्रत करके अपना प्रायश्चित कर लीजिए। यदि आपको शुगर हो रही है, बीपी हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, हार्ट खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बरार बुखार आता है, ये सारी समस्याएं तुमको यदि हैं, रोग आ रहा है, तो असाता वेदनी है और असाता वेदनी कर्म भगवान की भक्ति में अशुद्धि करने से ही बनता है, तो उसका प्रायश्चित ये विधान है जो कि कल 9 अगस्त को होने वाला है। मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप सभी व्रत को करें। मुनिराज ने दिया कि तुम चंदन षष्ठी व्रत करो, ये व्रत साल में एक बार ही आता है, भादो कृष्णा
षष्ठी को ये व्रत आता है। ये कम से कम 6 साल तक किया जाता है और मैं तो कहता हूं कि साल में एक ही व्रत आने वाला है और जाने अनजाने स्वाध्याय में, जाप करने में, पूजन में, पाठ में, आहार दान में, कहीं पर भी कुछ अपने द्वारा अशुद्धि हो सकती है। इस कारण से हर साल यदि हम एक दिन का उपवास कर ले तो कोई दोष नहीं, फिर भी ना बने कम से कम 6 साल तक करें। साल में एक बार उपवास करना होता है, उपवास नहीं कर सकते, एकाशन नहीं कर सकते, आप घर का शुद्ध भोजन कर लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं, पर विधान अवश्य करें। चंद्र षष्ठी में भगवान आदिनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुमतिनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, ऐसे 8 तीर्थंकरों की आराधना होती है और विशेष करके भगवान चंद्रप्रभु जी की आराधना की जाती है। ये सारे तीर्थंकर चंद्रप्रभु जी भी धर्मपुत्र में विराजमान है, भगवान आदिनाथ में विराजमान है, पर उनके सामने विधान किया जाएगा। और विशेष विशेष दिव्य औषधियों, वनौषधियों, छोटौषधि जो विशेष कर्नाटक से आई हुई, महाराष्ट्र से आई हुई है, इस प्रकार के दिव्य औषधियों के द्वारा भगवान आदिनाथ जी का विशेष अभिषेक किया जाएगा और चंद्रप्रभु भगवान के समक्ष विशेष विधान संपन्न किया जाएगा। अति मुक्तक मुनिराज के कारण से अतिमुक्त मुनिराज को अशुद्ध अवस्था में आहार देकर के जिसने पाप का बंद किया, जिससे ओढ़ हुआ था, जब श्रीमद्र मुनिराज आए तो उनके समक्ष ईश्वर चंद्र ने और चंदना दोनों ने मिलकर के वह चंद्र षष्ठी का व्रत लिया, 6 साल तक उसका पालन किया और पहले ही वर्ष में ही चंद्र षष्ठी व्रत करते ही उनके, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में थे, ओढ़ था, इसलिए ओढ़ होने के कारण से वह सिर्फ उपवास उन्होंने किया, पूजन देखी, अपनी ओर से उन्होंने पूजन करवाई, जो पूजन का द्रव्य था वो अपनी ओर से दिया, अपनी ओर से विधान कराया, अभिषेक कराया, पूजन कराया, उससे उपवास किया, कथा पढ़ी, मंत्र जाप किया। ये व्रत 6 साल तक किया जाता है। 6 साल पूरा होने पर मंदिर में 6 दिन प्रतिमाएं, 6 दिन वाणी, 6 छात्र उपकरण मंदिर में दिए जाते हैं, 6 मुनि, 6 आर्यिका, 6 लक्ष्मिका, इनको आहार दान दिया जाता है, उद्यापन में माता जी को साड़ी दी जाती है, इस प्रकार का उद्यापन किया जाता है। शक्ति अनुसार उद्यापन होता है, जो न कर पाए वह उद्यापन के रूप में डबली व्रत कर सकता है। और इस व्रत में मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप में आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन, सुमतिनाथ और चंद्र प्रभु, ऐसे 6 तीर्थंकरों की पूजा होती है। न कर पाए तो आदिनाथ और चंद्र प्रभु, ये 9 पूजा भी कर सकते हैं, या अकेले चंद्र प्रभु भगवान की पूजा भी हो सकती है। कल धर्म तीर्थ पर एकदम लाइव इसी जैनम चैनल के माध्यम से आप पूरी पूजा को समझेंगे, हमारे द्वारा कैसे कैसे अशुद्धि हो जाती है ये विधान में आपको समझ में आएगा। और उस अशुद्धि का 56 अर्घ चढ़ाए जाएंगे, 56 प्रकार से रोग के निवारण हेतु 56 अर्घ चढ़ेंगे और बहुत थोड़ा ही हमारे अपने भी बताएंगे, तो आप सभी इस विधान में जुड़ते जाइए। 56 परिवारों के द्वारा 56 अर्घ वहां पर चढ़ाए जाएंगे, विशेष अर्घ चढ़ाए जाएंगे और विशेष अभिषेक किया जाएगा। ये चंद्र षष्ठी व्रत करने से हमारे सब प्रकार के रोग दूर होते हैं। आज पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है, इस महामारी को दूर करने के लिए भी मेरा आप सबसे आह्वान है कि यदि आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो अवश्य में आप इस विधान में स्वयं शामिल हो और जितने भी आपके संबंधी परिचित हैं उनको फोर्सली आप मैसेज करके बता करके उनको आप आह्वान करें कि आप हर हाल में कल का विधान न छोड़ें। सब लोग ही आप लाइव हो जाइए और सवेरे ठीक 7 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सब 7 से लेकर के 8:30 तक हमारा भगवान आदिनाथ जी का महामस्तक अभिषेक चलेगा। अनेक अनेक परिवार अभी से ही आप अपने संचय शुरू कर देवे, दिव्य कलश अभिषेक रहेगा और ये कलशों का आरक्षण शुरू हो चुका है, अनेक परिवारों के नाम आ चुके हैं, कुछ ही कलश बचे हुए हैं तो अपने अपने नाम कलश लिखवा देवे, शांतारा में लिखवा देवे। और जिसको महाव्याधि से बचना है, संपूर्ण फल पाना है, तो संपूर्ण फल सौदर्भ को प्राप्त होता है और जितने लोग करते हैं उनका फल सौदर्भ को प्राप्त होता है। सौदर्भ महान पद होता है, जो यहाँ भाव निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से सौदर्भ इंद्र बनते हैं वही जीव आगे जाकर के साक्षात सौदर्भ इंद्र का पद प्राप्त करते हैं, गुहावतारी होते हैं। तो सौदर्भ इंद्र बनकर के आप संपूर्ण महामस्तक अभिषेक, महाशांतारा, संपूर्ण चंद्र षष्ठी विधान, महामृत्युंजय विधान, जिन सहस्त्रनाम विधान, उसका हवन, उसके पश्चात चतुर्थ संघ को आहार दान और आहार दान के पश्चात
गोग्रास, ये सारा पुण्य सौदर मंदिर को प्राप्त होता है, विशेष पद होता है। तो आप सभी जुड़े और महान भाव वो चंदना ने, ईश्वर चंद ने 6 साल तक व्रत किया। उस व्रत के करने से उनका सारा गुण समाप्त हो गया, पूर्णतया स्वस्थ हो गए, निरोगी हो गए। संकल्प कर लिया कि अब कभी हम संयम का अपमान नहीं करेंगे, जोश में अपना होश नहीं खोएंगे, और वे हर साल चंद्रशय की व्रत करते रहे। उस व्रत के कारण ही वह दोनों स्वर्ग में रत्नमाला और रत्नचूर नाम के देव बने, स्वर्ग का उत्तर तुम सब पाया। और फिर वहां से आकर के बनारस में सूरसेन और पद्मिनी राम के राजा रानी बने। उनका बहुत काल तक राज्य चला, और जब चंदन षष्ठी व्रत ने सुना तो उसके कारण से उनके तुरंत ही उसी भाव में सूरसेन के पर्याय से वह ईश्वर चंद जो राजा सूरसेन बना था वे मुनि बने, और चंदना जो सेठानी थी वो रानी पद्मिनी बनी। उन्होंने राज्य भोगा, आखिरी में दोनों मुनि आरिका बने, और चंद्र षष्ठी व्रत करने कारण से मुनि आरिका बनकर के जो मुनि थे वे कर्म काट के मोक्ष चले गए, और जो आरिका माता अच्छी थी उन्होंने तप से तपस्या की, साधना की, और वे अंत में समाधि मरण करके स्वर्ग स्वर्ग में अच्युत इंद्र के पद को प्राप्त हो गई, और आगे जाकर के वह कर्म काट के मोक्ष जाएगी। यह चंद्र षष्ठी के व्रत का फल है। तो जो भी चंद्र षष्ठी व्रत कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, यदि आपने 6 साल कर लिया है तो भी पूजन करने में कोई दोष नहीं है। यदि आप एकासन कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अकेले स्त्री नहीं, स्त्री पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। कम से कम एकासन तो कर सकते हैं, एकासन नहीं कर पाए तो कम से कम घर का शुद्ध भोजन आप कर लें। अभी कोरोना है, बाजार का नहीं खाना है, घर का शुद्ध भोजन आप कीजिए, और तो भी न कर पाए तो कम से कम विधान पूजन में शामिल होकर के पुण्य का संचय करें। आपने बड़ा अच्छा नसीब पाया है, आपने बड़ा अच्छा नसीब पाया है, आपका पुण्य आपके करीब आया है। आपने बड़ा अच्छा नसीब पाया है, आपका पुण्य आपके करीब आया है। देवता भी तरसते हैं जिस भक्ति को, वो जिन भक्ति का अवसर आपने ऑनलाइन पाया है, जिन भक्ति का अवसर आपने ऑनलाइन पाया है, तो आप लाइव ऑनलाइन का जुड़ करके आप विधान में शामिल हों, पुण्य का संचय करें, और जब भी कोई भक्ति करें, पूजन करें, आहार देवें, स्वाध्याय करें, गुरु के पास जाएं, तो जोश में होश ना खोए, संवेग को रखें, और सब कुछ करते हुए जानकर चलें कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। जब रात को सोएं तो सोने के पहले संकल्प करें कि शरीर भी मेरा नहीं है, आत्मा को छोड़कर मैं संपूर्ण पर द्रव्यों का त्याग करता हूँ। मैं जब तक सो रहा हूँ तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है। मैं जब तक सो रहा हूँ मेरे संपूर्ण आराम परिग्रह का त्याग करके नमोकार मंत्र पढ़कर यदि आप सोते हैं, और सोते सोते यदि आपका मरण भी हो गया तो आपका मरण समाधि मरण बन जाएगा। ये रोज करते जाइए। दिन में भी आपने अभी 12 बजे भोजन कर लिया, 10 बजे भोजन कर लिया, दोबारा आप भले 1 घंटे बाद भोजन करेंगे, संकल्प कर लीजिए कि जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा तब तक मेरे भोजन का त्याग है, जब तक पानी नहीं पीऊंगा तब तक मेरे पानी पीने का त्याग। ये संवेग भावना है, इसके साथ त्याग भी जुड़ा हुआ है। तो अपने संवेग को बनाइए, जोश में चले, होश ना खोए, और कल हम सभी मिलकर के चंद्र षष्ठी व्रत अपने संपन्न करेंगे। और संवेग के बाद में भावना आती है शक्ति, तब शक्ति के अनुसार तब किया जाए। तो यह विषय शक्ति दस त्याग, त्याग से जीवन में आता है, त्याग से आता है जीवन में आनंद का भाग, ऐसा विशेष कल का हमारा प्रवचन रहेगा। त्याग करो पर शक्ति अनुसार करो, शक्ति अनुसार त्याग, इस पर विशेष प्रवचन रहेगा। साथ में चंद्र षष्ठी व्रत विधान रहेगा, उसको लाइव आप देखेंगे, उनका संचय करेंगे। सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। इस समय सनातन जैन धर्म की 16 करण महापर्व की बोलो गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सभी से आप अपना अपना कलश का आरक्षण कर ले, शांतारा आहार दान का पुण्य संचय कर ले, और यहाँ पर चिट्ठे रखी हुई है पारस भैया, और चिट निकालने की बच्ची यहाँ पर आई हुई है, उसको निकाल दें। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ, और आचार्य भगवान ने यह 5वें पुष्प में अपने को संवेग भावना के संदर्भ में अभी अभी उद्बोधन दिया है। और अभी हम जिन्होंने कल के प्रश्नावली के प्रश्न के उत्तर देकर जो फॉर्म भेजे थे उनमें से 50 लोगों ने अपने को सही उत्तर दिए हैं। इसके पश्चात हम लोग उसका लकी ड्रॉ निकालेंगे।
कल की जो चंदन षष्ठी का जो विधान यहाँ पर संपन्न होगा, अभिषेक संपन्न होगा, उसके लिए मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। धर्मतीर्थ क्षेत्र पर कल दिनांक 9 अगस्त 2020 को सुबह 7 बजे से यहाँ पर संपूर्ण अभिषेक संपन्न होगा। अभिषेक के पश्चात यहाँ पर चंदन षष्ठी का पूजन एवं विधान संपन्न होगा। अभिषेक के लिए जो स्वधर्म इंद्र बनना चाहते हैं उनके लिए 21,000 रुपए की राशि यहाँ पर निर्देशित की है। जो महानुभाव स्वधर्म इंद्र बनकर यह संपूर्ण पूजन एवं अभिषेक एवं विधान संपन्न कराना चाहता है वो अपनी अनुमति प्रदान कर सकते हैं। अभिषेक के लिए 1100 रुपए प्रति कलश, मतलब आप जल चंदन उसके बाद में सर्वौषधि चतुर्थ कलश दूध दही इस कलश का आप अपने तरफ से स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं और आपकी ओर से वहां पर अभिषेक संपन्न होगा। और 2100 रुपए की राशि जो है वो शांति धारा के लिए रखी है और 2100 रुपए की राशि आहार दान के लिए रखी है। 56 अर्घ इस विधान में चढ़ने वाले हर एक अर्घ की राशि सिर्फ 501 रुपए रखी है। आपकी ओर से एक अर्घ वहां पर चढ़ाया जाएगा। जो भी महानुभाव अपनी स्वीकृति देना चाहता है वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं, फोन कर कर आपकी अनुमति प्रदान कर सकते हैं। हमारे पक्ष में कुछ एक अभिषेक की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान हुई है, जिसमें से एक दूध कलश के लिए श्रीमान दिलीप जी राखे, इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान अंकुर आनंद जी नखाते, इन्होंने भी यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की है सर्वौषधि कलश के लिए। जो भी महानुभाव अपनी ओर से अभिषेक के लिए राशि और स्वीकृति प्रदान करना चाहता है वो अपना नाम दे सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर अमित जी सुनिधि जैन, जो अमित जी हैदराबाद वाले, उनकी ओर से कल का दीप प्रज्वलन है, उनकी ओर से भी एक कलश और हरेक के लिए स्वीकृति आई हुई। आज का दीप प्रज्वलन हमारे परम भक्त सुबोध जी जैन सरोज जैन राधेपुरी दिल्ली, उनके सुपुत्र हंसराज जी धीरज जैन परिवार ने आज संपन्न किया है। पवन पाटनी जयचंद जी पाटनी, उनकी भी एक कलश के लिए स्वीकृति आई हुई है। तो मेरा उनको आशीर्वाद। और हमारे सुबोध जी जो की चतुर्मास कलश के पुण्यार्जक है और हमेशा उनका योगदान रहता है, 2013 से लगातार वो शांति धारा संपन्न करा रहे हैं। ऐसे हमारे सुबोध जी जैन बहुत हमारे परम भक्त हैं, उनके द्वारा मुझे भगवान शांतिनाथ की मूर्ति दी गई है, 2013 से लगातार अभिषेक संपन्न करा रहे हैं, राज्य में दीप प्रज्वलन किया है। मेरा सुबोध जी का आशीर्वाद और भी जो लोग लाइव यहाँ प्रवचन देख रहे हैं उनको सबको मेरा आशीर्वाद आप सभी के लिए। अभी यहाँ पर हमारे बता रहे हैं जयचंद जी पाटनी जी, अमित जैन, सुनिधि जैन और विजय जैन और अंकुर खाते दिलीप जी राखी, इन सबका नाम आज के अभिषेक हुआ है के लिए। और भी जो अपना पुण्य संचय करना चाहे करते जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। देखो समय, यह जो पाप प्रक्षालन का समय है ये बार बार नहीं आता, साल में एक बार यह विधान होता है, चंदन षष्ठी का समय आता है। और हरेक के साथ अनुपी पाटनी, उनका एक सर्वौषधि कलश और हरेक के लिए उनका नाम आया हुआ है, एक अर्घ और कलश के लिए उनकी भी स्वीकृति आई है। पाप का प्रक्षालन हर रोज नहीं हो सकता है, तो यह अपने को घर में बैठकर मौका आया है। तो जो भी महानुभाव अपनी ओर से यह पाप प्रक्षालन करना चाहता है वो अपनी स्वीकृति प्रदान कर इस विधान में सम्मिलित होवे और अभिषेक संपन्न कराए। तो चलते है दिगंबर जैन महासभा के एक कर्मठ कार्यकर्ता युवा महासभा के ट्रस्टी श्रीमान पारस जी लोहाए, जो कि इस कार्यक्रम को नासिक से संपूर्ण निर्देशन के साथ में वहां पर संचालित कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत मैं उनका अभिवादन करता हूं। और इस प्रश्न मंच के लिए जो लकी ड्रॉ निकालने का है वो मैं चलता हूं। पारस जी जय जिन, आपकी ओर लकी ड्रॉ यहां से निकालना है क्या? नहीं, बच्ची धरती बेटी है, आप पहले बता दें कितने लोगों ने आज उत्तर दिए हैं। 50 लोगों के सही जवाब है। 50 गुरुदेव, 50 लोगों के सही जवाब है आज। मुकेश संपदा चरणावली आहार दाना, मुकेश हाँ आवाज नहीं आ रही।
आवाज का प्रॉब्लम है। अच्छा तुम्हारी लगीमा जो है यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर शिफ्ट निकालेगी, शुरू कर रहे हैं हम। दूसरी चीज नोट कर ले, पोर्टेबल निकला आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, ओहो चल रही है, मैं यहाँ से निकाल दूँ क्या? मैं यहाँ से निकाल लूँ? ये बच्ची निकाल आवाज और वीडियो दोनों नहीं आ रहा, नेटवर्क इशू है, वीडियो भी नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दे, नंबर चैट बॉक्स में डाल दे, कुछ समझ ही नहीं रहा है। पांचवा क्रमांक है 41, संगीता जी सेठी औरंगाबाद। संगीता जी सेठी अपना वीडियो ऑन करें। संगीता जी सेठी आज के पांचवे क्रमांक के विजेता है। धर्मतीर्थ से हमारा संपर्क टूट चुका है, तुम एक मिनट में फिर से संपर्क होगा, तब तक आप सभी बने रहिए। हाँ संपर्क फिर से हमारा वहां पर प्रस्थापित हो रहा है, कुछ एक मिनट में हम लोग फिर से वहां पर पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं कि 50 लोगों ने अपने इस प्रश्नावली के उत्तर संपूर्ण पूर्णता बरोबर दिए थे, जिसमें यह लकी ड्रॉ यहाँ पर निकाला जाएगा। पारस जी सेठी एवं उनकी पूर्ण टीम वहां पर उपस्थित है। आप समझ सकते हैं कि रोज यह चैनल से अगर हमको प्रदर्शन पूर्व सभी को दिखाने का है, तो उनको 15 मिनट पहले से संपूर्ण तैयारी, मतलब कल से पूरी तैयारी, पूरे 50 लोगों की लिस्ट वहां पर तैयार है, उनकी चिट्ठियां तैयार है। हम इतनी, मतलब पारस जी एवं उनकी संपूर्ण टीम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम आपकी तरफ से यह आपकी आशा रखते हैं कि आपको घर में बैठकर मोबाइल पर उस प्रश्नावली के उत्तर देने का है और उसका स्क्रीनशॉट भेजने का है। बाकी आपको हम आपके पास में आकर उसके प्रश्न के लिए जो भी आपका जिनका लकी ड्रॉ निकलेगा उनको हम पारितोषिक देने वाले हैं। यह पारितोषिक आपके मोबाइल पे पेटीएम या फिर जो भी आप अकाउंट नंबर देते हैं उसमें डायरेक्ट उसी दिन ट्रांसफर हो जाता है। अगर किसी का अकाउंट नंबर या पेटीएम अकाउंट नहीं है तो आपको दूसरी व्यवस्था की जाएगी, पर बाय द मीन टाइम आप अपना मोबाइल नंबर जिसपे पेटीएम है, किसी का भी, आपका हो सकता है, आपके बच्चे का हो सकता है, आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का, आप हमारे तक के पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हम आपको आपका पारितोषिक की राशि वहां पर दे सकते हैं। तो इसके लिए पारितोषिक के लिए एक दिन के जो स्वीकृति है सिर्फ 500 रुपए के। हाँ अभी धर्मतीर्थ, हाँ 7 नंबर, पारस भैया, पारस भैया संपर्क हो चुका है, 7 नंबर की तिथि। हाँ अब 50। हाँ तो जो तीसरा पारितोषिक, थर्ड प्राइज, 50वां नंबर थर्ड प्राइज है। हाँ अब एक बार निकालो, अभी ये 32 दूसरे नंबर का पारितोषिक है, 32 क्रमांक दूसरे नंबर का है। हाँ अभी ये पहले क्रमांक के चिट, आज के विनर की चिट निकल रही है, उसकी निकली है 38।
38 नंबर की, हाँ 38 नंबर की चीट अभी निकली है। 38 नंबर का जिनको है, जिनका लकी ड्रॉ में नंबर लगा है, वो महानुभाव का नाम है श्रीमान सैनिक जी जैन, आप है नागपुर से, और नागपुर गौरव मुनिश्री विनय गुप्ता जी के पूर्वाश्रमी के लड़के, जो कि रोज स्वाध्याय करते, आप भी ब्रह्मचारी है और उनकी उनका स्वाध्याय भी अच्छा है। और श्री सैनिक जी नंबर निकला है 38 नंबर है सैनिक जी, 38 पे अलग नाम है, 38 पे उर्मिला सावलकर अमरावती है और 39 पे सैनिक जैन है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 38 निकला, 39 निकला, 38 निकला, 38 उर्मिला सावलकर अमरावती, उर्मिला जी सावलकर अमरावती ये आज के विजेता है। जी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, उर्मिला जी सावलकर जो कि अमरावती से, वो आज के विजेता है। परस भैया ओवर टू यू, बाकी पांचों नाम आप बता दीजिए। हाँ, पांचवा पहले विजेता है उर्मिला जी सावलकर, 38 नंबर से। उसके बाद दूसरे विजेता है सिद्धांत जी जैन, इसके बाद तीसरे विजेता है ज्योति भरत साहू जी, चौथे विजेता है 7 नंबर यानी रंजना जी जैन बीड, और पांचवे विजेता है आज के सौ संगीता जी सेठी औरंगाबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कल के पूजन अभिषेक सौधर्म इंद्र एवं विधान के लिए जो भी महानुभाव ने स्वीकृति अभी तक के प्रदान की, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं अदा करता हूँ। और मन के भाव मन में न रखते हुए आप अपनी भी स्वीकृति यहाँ पर प्रदान करें, और इसके पश्चात दिल्ली से आरती संपन्न होगी परम भक्त धर्मानुरागी दानवीर श्रीमान श्री सुबोध जी जैन एवं उनका संपूर्ण परिवार आरती के लिए तैयार है। आप भी अपनी अपनी आरती लेकर तैयार हो जाइए। और श्रीमान दिलीप जी राखे, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने भी एक कलश की स्वीकृति यहाँ पर दी है, उनका भी आपको भी जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, साथ में आचार्य श्री का आशीर्वाद, और बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुबोध जी जैन, इनके ओर चलते हैं आरती के लिए। सुबोध भैया जी जय जैन, आप आरती शुरू करिए। समता का संदेश न्यारा, आरती करें हम दे दो अपनी शरण का सहारा, ढोलक ले झांझर ले गाएं हम आरती।
आरतियां गुप्ती गुरुवर तेरे मन हरि मूरतियां गुप्ती गुरुवर तेरे कंचन थाली में लाए सजा कर कर रहे हैं जय जय गुप्ती गुरुवर की बाजे बजा कर रत्नों के दीपक ले गाए हम आरतियां गुप्ती गुरुवर तेरी मन हरि मूरतियां गुप्ती गुरुवर तेरी ज्योति से कर दो उजाला ज्ञान की किरण से चमके ये चंद्र गुप्त तुम्हारा राजवरुण शिवपुर का गाए हम आरतियां गुप्त गुरुवर तेरी मन हरि मूरतियां गुप्ती गुरुवर तेरी मन हरि मूरतियां गुप्ती गुरुवर तेरी गाए हम आरतियां गुप्ती गुरुवर तेरी मन हरि मूरतियां गुप्ती गुरुवर तेरी जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुप्ती नंदी गुरुदेव की जय आचार्य संघ की जय सभी धर्मानुरागी महानुभाव जिन्होंने यह लाइव में यह कार्य यह प्रवचन माला सुन रहे हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि कल सुबह ठीक 9 बजे हम लोग कल सुबह ठीक 7 बजे मिलेंगे। कल सुबह अभिषेक रहेगा, उसके पश्चात विधान रहेगा और उसके पश्चात आपने को आचार्य श्री की अमृतवाणी सुनने मिलेगी। इसीलिए कल का दिन आप थोड़ा सा हमारे लिए स्पेयर करिएगा। कल शनिचर महत्वपूर्ण दिवस है और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मतीर्थ क्षेत्र पर जो भी धर्मवत्सल हमारे बंधु है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो चैनल पर यह लाइव सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पारस जी का मैं विशेष विशेष रोज बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ, वो होस्ट है पर फिर भी उनका सहकार्य और उनका समर्पण बहुत अच्छा है इसीलिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और साथ ही आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और कल पारस भैया सभी के लिए नमोस्तु के लिए आप अगर माइक ओपन कर दे तो सभी नमोस्तु करेंगे आचार्य श्री से और आशीर्वाद सभी के माइक खोल दिए।
काके को स्पॉटलाइट करो, आज उनका जन्मदिन है, गुरुदेव विशेष आशीर्वाद देंगे। परस भी आज दिलीप जी राखे इनका जन्मदिन है, उनको थोड़ा स्पॉटलाइट करिए। परस नमस्ते गुरुदेव, आज दिलीप जी राखे इनका जन्मदिन है उनको, हाँ दिलीप जी राखे गुरुदेव, आज दिलीप जी राखे का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। ईश्वर उनको सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करे, साथ ही उदंड आयुष्य मिले यह शुभ भाव। और आप पदाधिकारी है भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा विदर्भ विभाग के। अनम्यूट करी, अनम्यूट अनम्यूट करिए वहां का माइक अनम्यूट। दिलीप जी राखे जो हमारे परम भक्त हैं और पार्श्वनाथ जैन मंदिर सेतुवार मंदिर नागपुर के महामंत्री हैं, बहुत अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, महासभा के अच्छे पदाधिकारी। मेरा दिलीप जी राखे और पूरे परिवार को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, निरंजन की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान सबका। मिलते हैं कल, हम सभी मिलते हैं। जय जिनेन्द्र, आप सभी को जय जिनेन्द्र।